दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR Planet पर। What is the difference between a boat and a ship? तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम एक बोट और एक शिप के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल और लॉजिक बेस्ड होने वाला है, तो आपके होश हवास को एक जगह रखते हुए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। What is a ship? जनरली हम शिप उसे कहेंगे जो महासागरों के गहरे पानी में सफ़र करता है, जिसका इस्तेमाल सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों के सफ़र के लिए और स्पेशलाइज्ड मिशंस जैसे कि गहरे समुद्र में डिफेंस रिसर्च और फिशिंग के लिए किया जाता है। और इसी के साथ बोट उसे कहेंगे जो शिप से साइज में छोटी होती है और इसके इस्तेमाल का तरीका और वजह दोनों ही शिप से अलग होती है। शिप्स जनरली बोट से साइज में बड़े होते हैं और शिप्स जो है वो बोट के कंपैरिजन में ज़्यादा देर तक समुंदर में रह सकते हैं। और इंडियन शिपिंग लॉ के हिसाब से शिप उस जहाज़ को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल समुंदर के रास्ते सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। इसी तरह से बड़े बड़े जहाज़ों को भी बोट्स कहा जाता है, जिसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है सबमरीन। जी हाँ, सबमरीन को भी बोट ही कहा जाता है, जिसकी एक मिसाल हम आगे जानने वाले हैं। और इसके अलावा ग्रेट लेक फ्रेटर्स, रिवर बोट्स और फेरी बोट्स, ये भी बोट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। लगता है आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं। जो डेफिनेशन हमने कुछ देर पहले की थी उस हिसाब से तो इन्हें शिप्स कहा जाना चाहिए था, क्योंकि इनका इस्तेमाल तो लोगों के सफ़र के लिए या सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इन जहाज़ों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिससे कि इन्हें समुंदर के किनारे पर और कोस्टल एरिया में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यहाँ इन्हें बोट्स कहा जा रहा है। एक और डेफिनेशन ये कहती है कि हम लोग शिप और बोट में फर्क इस तरह कर सकते हैं कि शिप को ऑपरेट करने के लिए एक कैप्टन और पूरी टीम यानी कि क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहीं बोट को हम जिस किसी के हाथों चाहे चला सकते हैं। ये एक सही आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ भी एक फैक्ट है। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सबमरीन के बारे में तो सुन ही लिया था। फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो कि 500 फीट से भी ज़्यादा लंबी होती है और इसे 150 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स मिलके चलाते हैं। हमारी पहले की गई डेफिनेशन के हिसाब से तो इसे शिप ही कहा जाना चाहिए था, लेकिन इसके ऑफिशियल क्रू मेंबर्स इसे बोट ही कहते हैं। इसी तरह जैसे कि हमने पहले कहा था, शिप की डेफिनेशन ये भी है कि इन्हें समुंदर के गहरे पानी में ज़्यादा लंबे वक्त तक रहने लायक बनाया जाता है, जबकि बोट्स के अंदर ये कैपेसिटी या फीचर नहीं पाए जाते। लेकिन वेट अ मिनट, आपने मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के बारे में तो सुना ही है, जो कि बड़े भी होते हैं और हफ्तों तक समुंदर में मछली की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन इन्हें फिशिंग शिप्स नहीं बल्कि फिशिंग बोट ही कहा जाता है। अब तो मेरा भी सर चकराने लगा है, किसको शिप कहे और किसको बोट। ये डिफरेंस इतना भी आसान नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसकी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन ही नहीं है तो भी गलत नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, अलग अलग देशों के मरीन इंजीनियर्स अपने हिसाब से या अपने पैरामीटर्स पर बोट और शिप की डेफिनेशन करते नज़र आते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जनरली ये कहा जाता है कि एक शिप के ऊपर एक बोट को ले जाया जा सकता है, लेकिन एक बोट अपने ऊपर एक शिप को लेकर नहीं जा सकती। इसी तरह से शिप उसे कहते हैं जो वेट में 150 टन या उससे ज़्यादा वजनी और लेंथ में 100 मीटर्स या उससे ज़्यादा लंबा होता है। और इसी तरह से जो जहाज़ लेंथ और वेट की कैलकुलेशन में इससे कम हो उसे बोट कहा जाता है। एक और डेफिनेशन ये कहती है कि एक शिप पानी में डूब सकता है, लेकिन एक बोट पानी में नहीं डूब सकता। इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बोट को रिपेयर करने के लिए आप बार बार पानी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक शिप को अपनी पूरी लाइफ पानी में ही बितानी पड़ती है। अब इतनी सारी डेफिनेशन के बाद हमारे व्यूवर्स ही बता पाएंगे कि किसको शिप कहा जाना चाहिए और किसको बोट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों ये थी एक डिस्कशन वीडियो एक बोट और एक शिप के बीच के डिफरेंस के बारे में। आज की वीडियो यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए। और आगे भी हमारे चैनल पर मशीन्स और मैकेनिज्म से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए और हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल SR Planet को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड।